हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योर सेल्फ विन फॉर मी बेटर। तो जी हाँ, आप थंबनेल को देखकर यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही समझे हैं, मैं डिस्क्रिपेंसी मेल के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो कि सभी कैंडिडेट को प्राप्त हो रहा है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो गलत तरीके से अपलोड कर रखा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय विशाख रिफाइनरी रिक्रूटमेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी चल रहा है और अभी इसका जल्द ही इंटरव्यू होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी मेल भेजा जा रहा है यह तय करने के लिए कि किन के डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हुए हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि HPCL 2021 का जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है और उसका मेडिकल भी ख़त्म हो चुका है और उसका ज्वाइनिंग लेटर अभी आना बाकी है। सेम हमको जो HPCL 2021 में देखने को मिला था डिस्क्रिपेंसी मेल कुछ कैंडिडेट्स को, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिपेंसी मेल देखने को मिल रहा है विशाख रिफाइनरी रिक्रूटमेंट में। मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि आप किस प्रकार की, कैसी और कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अंडरटेकिंग के रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी आप मुझे मैसेज करते हैं और उस मैसेज में लिखा रहता है सर मेरी मदद कीजिए, मुझे अंडरटेकिंग का मेल आ गया है कि वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है मेरा अंडरटेकिंग में, मैंने सही से नहीं भरा है। अरे आप वीडियो तो कम से कम देखिए, मैंने वीडियो ऑलरेडी अंडरटेकिंग के ऊपर बना रखी है। जैसे ही मैंने HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बनाया था, ठीक उसके बाद मैंने अंडरटेकिंग की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा अच्छी डिटेल से समझाया कि आपको उसमें करना क्या है, बट आप लोग को वीडियो देखते ही नहीं है, इसीलिए आपको अंडरटेकिंग का जो मेल आ रहा है कि डिस्क्रिपेंसी वहाँ पर देखने को मिली अंडरटेकिंग में, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने वो वीडियो देखी नहीं। अगर देखते तो अच्छे तरीके से अपना जो अंडरटेकिंग जो फॉर्मेट है वो अच्छे तरीके से भर देते और वहाँ पर अप्लाई कर देते, बट आपने ये तो किया ही नहीं है। आपने अंडरटेकिंग वाला जो वीडियो मेरा था, जो कि मैंने HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 के बाद वहाँ पर पोस्ट किया था, आपने उसे देखा ही नहीं है पूरे डिटेल से। अगर आप देखते तो अच्छी तरीके से आपको ये मेल कभी ना मिलता। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप अंडरटेकिंग वाला जो फॉर्मेट का जो मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 के बाद का, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं उसे जाकर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो डिस्क्रिपेंसी मेल आया है, मैं एक मेल को आपको शो कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेल आए हुए हैं सभी कैंडिडेट को, तो अलग अलग शो करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एक ही शो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मेल दिखाई दे रहा होगा, डियर कैंडिडेट दिस मेल विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका नंबर दे रखा है वो मैंने हाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे, और फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस एट HPCL विद रेफरेंस टू योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय यू प्लीज़ नोट द डिस्क्रिपेंसी इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है इस पर डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिली है। यहाँ पर दो टाइप के आप कॉलम देख पाएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल आपका लिख रखा है यानी कि किस डॉक्यूमेंट में आपका गलती पाई गई है, और बगल में लिखा हुआ है वेरीफायर रिमार्क्स यानी कि वेरीफायर ने रिमार्क्स क्या दिया आपको। तो डॉक्यूमेंट टाइटल में आप देख पा रहे हैं अंडरटेकिंग फॉर्मेट यानी कि इन्होंने जो अंडरटेकिंग फॉर्मेट वहाँ पर अपलोड कर रखा था उसमें गलती पाई गई है। क्या गलती पाई गई है आप देख सकते हैं, अंडरटेकिंग इज़ नॉट क्लियर यानी कि अंडरटेकिंग यहाँ पर क्लियर नहीं है, प्लीज़ मेंशन दैट यू विल बी सबमिटिंग कास्ट सर्टिफिकेट एंड फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज एंड सबमिट द अंडरटेकिंग। मीन्स इन्होंने क्या किया है, अंडरटेकिंग फॉर्मेट में शायद जो कास्ट सर्टिफिकेट है और फाइनल डिग्री जो इनको मिलने वाली है जो इनके पास नहीं है, जो कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इन्होंने नहीं किया है दोनों चीज़ें अपलोड वहाँ पर, तो इन्होंने अंडरटेकिंग फॉर्मेट में वो मेंशन ही नहीं किया है बुलेट लगा के, जो कि मैंने बताया था ना वहाँ पे बुलेट लगा के। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको वर्ड फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना है, जो भी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया गया है वो फॉर्मेट, उसको वर्ड फॉर्मेट में जाके कन्वर्ट करना है। देन वहाँ पर आपको मैन्युअली तरीके से क्या करना है, एक बुलेट लगाना है वहाँ पर, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, वहाँ पर बुलेट लगा कर आपको वहाँ पर लिखना है। बुलेट लगा के आप लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट देन फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो इसको लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उस फॉर्मेट को आप क्या करेंगे PDF फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से, देन इसको आप अपलोड करेंगे वहाँ पर जाके, जो आपका HPCL की तरफ से प्रोवाइड की गई जो वेबसाइट है जहाँ पर लिंक आप देख सकते हैं अपने सामने, आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा आपके मेल पर, जिन जिन लोगों को भी डिस्क्रिपेंसी मेल आया है वहाँ पर इनको मेल दिखाई दे रहा है। चलिए आगे इस मेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि आपको 30 डेज़ के अंदर यानी कि 30 डेज़ के अंदर आपको सर्टिफिकेट जो कास्ट का है और डिग्री सर्टिफिकेट ये दोनों वहाँ पर देना ही होगा, वहाँ पर ऐसा अंडरटेकिंग आपको भरना होगा वहाँ पर। और उस अंडरटेकिंग को भरने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उसका जो लिंक है मैं अपनी जो आई बटन है उस पर दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम मेल में चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन टू योर अकाउंट एंड अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगेन, यानी कि आपको दोबारा से ही आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। बेसिक्स वेरिफिकेशन रिमार्क्स बाय 25 फरवरी 2022, यानी कि आप 25 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड कर सकते हैं, और रीअपलोडिंग की जो लिंक दे रखी है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लिंक है आपके मेल पर, ये लिंक होगी, आप इस पर टैप करके जा सकते हैं, लॉग इन आईडी पासवर्ड से आप जाकर वहाँ पर रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस यू हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स द स्टेटस विल चेंज फ्रॉम सेंट बैक फॉर मॉडिफिकेशन टू सबमिटेड, यानी कि सेंट बैक फॉर मॉडिफिकेशन से आपका जो स्टेटस होगा वो चेंज हो जाएगा सबमिटेड। और आपको यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर देखने को मिलेगा डिस्क्लेमर, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर इनवैलिड है, इनकरेक्ट है और आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोडेड नहीं है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट अगर विजिबल नहीं है तो भी आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। योर कैंडिडेचर शेल बी लाइबल टू बी कैंसल्ड। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया है तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपलोड कीजिए। अगर आपने अंडरटेकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए, अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से वहाँ पर फिलअप कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, अगर नहीं है तो वो अंडरटेकिंग में आप मेंशन कीजिए, देन अंडरटेकिंग को वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा सेंट्रल का, उसको देने का मौका नहीं मिलेगा इंटरव्यू, जो कि मैंने HPCL 2021 का जो इंटरव्यू था उसमें मैंने बहुत से कैंडिडेट से पूछा है, उनको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो OBC कैंडिडेट थे, और SC के साथ भी ऐसा हो सकता है, ST के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो तैयार रहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड डू प्रिपरेशन फॉर योर HPCL अप्रेंटिसशिप 2022 फॉर विशाक रिफाइनरी रिक्रूटमेंट। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारे बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इसी तरीके की जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं देता रहूँगा, और यह चैनल बूस्ट योरसेल्फ HPCL आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा।